Hi everyone, let's do the question. The question is, a fraction becomes 4 upon 5 when 1 is added to each of the numerator and denominator. However, if we subtract 5 from each of them, it becomes 1 by 2. Find the fraction. So, bachcho, question asaan hai, fraction pe based hai, theek hai? एक फ्रैक्शन 4 अपॉन 5 हो जाता है अगर इसके न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 1 को ऐड किया जाए और अगर दोनों से 5 को सबट्रैक्ट किया जाए तो ये बन जाता है 1 अपॉन 2, ठीक है, यहां पे इट आएगा। तो आपको बताना है फ्रैक्शन का न्यूमेरेटर क्या होगा। तो बच्चों, एक फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमेरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। आपको ना न्यूमेरेटर पता ना डिनोमिनेटर पता है, दोनों ही अननोन है। तो जो भी अननोन होता है, पहले ये ढूंढो क्वेश्चन में कि अननोन क्या है, पूछा क्या है। जो पूछा है, जो अननोन है, उसको एक्स और वाई मानते हैं। तो लेट न्यूमेरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स and denominator of fraction is equal to y, ठीक है। तो यहां पे fraction क्या हो जाएगा, x upon y, ठीक है। लेकिन according to question हमें क्या given है, ये देखो भाई, question के according ये है कि अगर मैं दोनों में 1 को add करता हूं तो fraction होता है 4 by 5। अगर मैं न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करूं तो फ्रैक्शन की वैल्यू 4 अपॉन 5 होती है, यही गिवन है। तो यहां पर मैंने इसको 4 अपॉन 5 के इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5x + 5 इज इक्वल टू 4y + 4, 5x - 4y इज इक्वल टू -1, ठीक है, समझ आया। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस क्या है कि अगर मैं न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में 5 को सबट्रैक्ट करूं, दोनों में से 5 को सबट्रैक्ट करूं, तो जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है बच्चों, वो 1/2 आएगी। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x - 10 = y - 5 एंड 2x - y = 5। इक्वेशन नंबर है ये 2। अब इसको आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर लो, चाहे आप इसको एलिमिनेशन से करो, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करो। तो मैं क्या करूंगा, इसको एलिमिनेशन से करूंगा। एलिमिनेशन सबसे सिंपल मेथड मुझे लगता है, इसलिए। तो कैसे करेंगे देखिए, 5x - 4y = -1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो y के कोएफिशिएंट को बराबर करूंगा, बराबर करूंगा। इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट है -4, इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट है -1, तो मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन 2 को। जब मैं इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 8x - 4y = 20, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी हो गई इक्वेशन 3। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में y के कोफिशियंट बराबर कर दिए हैं मैंने। अब क्या करूंगा, अब दोनों को सॉल्व करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा। इक्वेशन 1 ऊपर लिखते हैं, इक्वेशन 3 नीचे लिखते हैं, करते हैं सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के सारे साइन हो जाएंगे रिवर्स। 4y एक माइनस का, एक 4y प्लस का कैंसिल हो गया, 5x प्लस का, 8x माइनस का, -3x हो गया इज इक्वल टू -1 एंड -20, तो ये हो गया -21। तो x बच्चों आ गया है 7। अब ये जो x आया है, इसकी वैल्यू को मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो यहां से सॉल्व करने के बाद जो y आएगा वो आएगा 9। आप सॉल्व करके देख लो, इक्वेशन 1 में 7 को पुट करो, है ना, 7 5 जा 35, उस साइड गया तो 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36, ठीक है। तो यहां पर 9 आएगा, तो y 9 और x 7। अब फ्रैक्शन क्या है बच्चों, फ्रैक्शन तो x अपन y है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था हमारा, बिना ऐड बिना सबट्रैक्ट किए कुछ भी नहीं किया, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था दैट वाज x अपन y, मतलब 7 by 9। हमें पूछा है न्यूमेरेटर, पूछा है न्यूमेरेटर क्या है इसका, ये वाला 7, तो बी इसका ऑप्शन होगा, न्यूमेरेटर होगा 7। होप यू गॉट द पॉइंट, थैंक यू वेरी मच।